Of you. Today I am going to discuss about white pupillary reflex or leukochoria. यहाँ पे जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ ये एक रेटिनोब्लास्टोमा का पेशेंट है ना. तो यहाँ से आप दो तीन चीज़ ऐसे ही कन्फर कर सकते हैं. पॉइंट नंबर वन, किसमें देखने के लिए मिल रहा है, बच्चे में, है ना. पॉइंट नंबर टू, अभी आपको ये यूनिलैटरल दिख रहा है, तो 70-75% केस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा यूनिलैटरल, ठीक है, और रेस्ट जो बचा हो बायलेटरल. तो बेसिकली वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स होता क्या है हमें वो जानना होता है, ठीक है, और ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें हमें वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स देखने के लिए मिलता है और हम लोग उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे रेटिनोब्लास्टोमा से, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशंस, व्हाट इज लिकोकोरिया और वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स. एबनॉर्मल वाइट रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द रेटिना फाइल इज नोन एज वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स और लिकोकोरिया. कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, रेटिनोब्लास्टोमा में. तो बहुत सारा कंडीशन ऐसा होता है जो स्टिमुलेट करता है रेटिनोब्लास्टोमा में को, लेकिन वो एक्चुअली में रेटिनोब्लास्टोमा होता नहीं है. तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्यूडोग्लायोमास. तो आखिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या ये जो हमें वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स देखने के लिए मिल रहा है इट इज़ ड्यू टू द रेटिनोब्लास्टोमास और स्यूडोग्लायोमास, ठीक है. तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, स्यूडोग्लायोमास कंडीशंस विच स्टिमुलेट रेटिनोब्लास्टोमा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिकोकोरिया. हाउ टू डिफ्रेंशिएट, वी विल डिफ्रेंशिएट विद द हेल्प ऑफ कैल्सिफिकेशंस एंड इंट्राओकुलर प्रेशर. तो ठीक है, चलिए देखते हैं. तो अगर हम लोग कैल्सिफिकेशन के लिए चेक करेंगे तो रेटिनोब्लास्टोमा में कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट होगा और स्यूडोग्लायोमास में कैल्सिफिकेशन एब्सेंट रहेगा. टॉकिंग अबाउट इंट्राओकुलर प्रेशर, रेटिनोब्लास्टोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज रहेगा, स्यूडोग्लायोमास में या तो नॉर्मल रहेगा या तो फिर डिक्रीज रहेगा, ठीक है. तो अब बात करते हैं ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जो स्टिमुलेट करता है रेटिनोब्लास्टोमा को, है ना, और ये सारा कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोग्लायोमास या फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स और ल्यूकोकोरिया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होता है. तो इसका मैंने कि यहाँ पे निमोनिक बना रखा, दैट इज PFT एंड PCR, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एंड पॉलीमरेज चैन रिएक्शंस. टोटल 9 कंडीशन है. पी फॉर PHPV, दैट इज परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस. एफ फॉर फंगल इंडोप्थल्माइटिस. टी फॉर टॉक्सोकारियासिस. आर फॉर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटीज, रेटिनल डिस्प्लेशिया एंड रेटिनल एस्ट्रोसाइटोमास. सी फॉर कंजेनिटल कैटरेक्ट्स, कोट्स डिजीज एंड कोलोबोमा ऑफ ऑप्टिक नर्व. कोलोबोमा का मतलब क्या होता है, जो कंजेनाइटल किसी अगर स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो, है ना, या फिर उसका इनकम्प्लीट फॉर्मेशन हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोबोमास. दिस इज ऑल अबाउट योर वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स और लिकोकोरिया. थैंक यू.